अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अल्कोवा। अल्कोवा स्टैंड फॉर ए मीन एट्रिब्यूटेबल, एल स्टैंड फॉर लेजिबल एंड सी स्टैंड फॉर कंटेम्परेनियस, ओ स्टैंड फॉर ओरिजिनल एंड ए स्टैंड फॉर एक्यूरेट। ये क्या एक फंडामेंटल कंसेप्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, GDP का और डेटा इंटीग्रिटी का, जो कि हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं टू इंश्योर द डेटा। डेटा जनरेटेड जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, तब जब डेटा जनरेट हो रहा होता है, या टेस्टिंग के दौरान जब डेटा जनरेट हो रहा होता है, या QC प्रोसेसिंग के दौरान जब डेटा जनरेट हो रहा होता है, तो ये हमें क्या करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और इसको इंट्रोड्यूस कराता है FDA ने 1990 के अंदर। अब इसको वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। ए स्टैंड फॉर एट्रिब्यूटेबल, के डाटा लिंक्ड होता है उस पर्सन के साथ जिसने उसको जनरेट किया है और जिसने एक्शन परफॉर्म किया है और कब परफॉर्म किया है, उसको बोलते हैं हम एट्रिब्यूटेबल। एल स्टैंड फॉर लेजिबल, के डाटा मस्ट बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, ये डाटा बिल्कुल क्लियर कट हो और हर किसी को समझ आ जाए, जो अननोन भी है ना, अगर उसके सामने डाटा रख दिया जाए तो उसे समझ आ जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है, चाहे हैंड रिटन है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, दोनों इजीली क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। सी स्टैंड फॉर कंटेम्परेनियस, के डाटा जो रिकॉर्ड किया गया है वो उस एक्टिविटी का जो टाइम था ना, उसी टाइम ही आपने डाटा को क्या करना, रिकॉर्ड कर लेना है, ताकि इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड हो इन रियल टाइम में। और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ एरर्स, के एरर्स के जो चांस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। चौथा जो है कि ओरिजिनल, के डाटा ओरिजिनल होना चाहिए, डाटा फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और कीपिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल कॉपीज, ठीक है। और ए लास्ट वन जो है ना, ए मीन एक्यूरेट, के डाटा करेक्ट होना चाहिए टू फ्री फ्रॉम एरर्स, के उसके अंदर कोई भी एरर्स ना हो, और इसके लिए वेरिफिकेशन या वैलिडेशन रिक्वायर्ड होती है। ये था एक छोटा सा टॉपिक अल्कोवा के बारे में, कि हम जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर डेटा बनाते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग या टेस्टिंग के दौरान या QC प्रोसेस जितने भी हैं, तो डेटा आपका बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और सेफ हो, एक्यूरेट हो, इजीली रीडेबल हो। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा।